उत्तर प्रदेश के कानपुर में UPSIDC के तत्कालीन महाप्रबंधक और अंसल ग्रुप के मालिक समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। यह मुकदमा स्टाम्प चोरी के लिए धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही CBID के इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। थाना कल्याणपुर द्वारा UPSIDC के महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक मैनेजर कुल मिलाकर के और अंसल मेसर्स अंसल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ, कुल मिलाकर के 9 लोगों के खिलाफ 409, 420, 467, 468 की विवेचना पंजीकृत की करवाई गई है। पूरा इशू ये है कि इनका आरोप है कि एक जमीन जो UPSIDC ने बहुत ही कम रेट पर, जो एक्चुअल रेट है उससे कम रेट पर स्टैम्प पेपर का लाभ पहुंचाने के लिए मेसर्स अंसल को दी गई है, जिसमें CBCID ने पाया है कि ये जांच का विषय है, कहीं इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। इसी की विवेचना के लिए वो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है।